अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एक्सपेरिमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टू डिटरमिन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ इन बीम्स यूजिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑपरेटर्स। तो हम इसमें बेसिकली हमारा मेन जो मकसद होगा, हम इसमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ के साथ हम काम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। हम इसमें एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज़ इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं कि एक्सियल फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, जो कि हमारे पास अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्ट करती हैं, ठीक है, एंड पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड और ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब जो कि अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो कि लॉन्ग लेंथ है उसकी, अलॉन्ग दैट लाइन अगर वो एक्ट करें सो दैट इज़ एक्सियल फोर्स। हमारे पास शियर फोर्स क्या है? वो वाली फोर्स जो कि हमारे पास एरिया के पैरेलल एक्ट करें, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर हम अगर फोर्स इस तरह करके अप्लाई करें सो दैट इज़ योर एक्सियल फोर्स। अगर हम इस पे फोर्स इस तरह करके अप्लाई करें सो दैट इज़ योर शियर फोर्स, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट भी जब आपकी एक बॉडी में मोमेंट प्रोड्यूस हो रही हो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एंड इट्स मोमेंट, आमतौर से हम फिर बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। टॉर्शनल मोमेंट क्या होती है? कि जो हमारे पास ट्विस्टिंग की वजह से एक बॉडी में ट्विस्टिंग की वजह से जो उसकी जो इंटरनल उसकी उसका जो भी रिएक्शन आता है उसे हम टॉर्शन कहते हैं। बेसिकली ट्विस्टिंग इज टॉर्शन। सो हमारा जो ओवरऑल सेटअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें दो स्प्रिंग्स होती हैं, एक ओवरहंग स्प्रिंग बैलेंस है, एक को कहते हैं हम, या एक को कहते हैं हम अंडरहंग स्प्रिंग बैलेंस। ये एक स्प्रिंग बैलेंस ये हो गया, ये दोनों इसके सपोर्ट्स हैं, और एक स्प्रिंग बैलेंस ये हो गया जो कि ओवरहंग स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक हिंज सपोर्ट है, इंटरनल हिंज है, जो कि इस पूरे की पूरी बीम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। हमारे पास एक सपोर्ट ये वाला है और एक ये वाला सपोर्ट है, और इस पे हमने कुछ लोड्स हैंग किए हैं। ये W1, W2 एंड W3, ये थ्री हैंगर्स में ये हैंग हुए हैं। अच्छा, इसका सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस हमारे पास 700 mm है, मतलब 70 सेंटीमीटर, 450 mm इस पोर्शन का लेंथ और 250 mm इस पोर्शन का लेंथ है। हम यूजुअली क्या करते हैं, अंडर हंग स्प्रिंग बैलेंस हमें शियर फोर हमें प्रोवाइड करता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़, मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ एग्जैक्टली नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इट हेल्प्स अस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस हिंज पॉइंट। ओवर हंग स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास क्या करता है, ये हमें देता है शियर फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अभी इसका मेथड क्या है, हम स्टार्ट करने से पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हम पहले हैंगर्स को विदाउट वेट्स, हम हैंगर्स को हैंग करके इसको, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्रूज हम इन्हें इन दोनों को टाइट करते हैं टिल हमारे पास ये जो सारी की सारी बीम है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाए विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग बबल्स, ठीक है। ये जब आपके पास बिल्कुल लेवल हो जाएगा, दिस इज़ स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू आपके पास क्या है कि स्टेप नंबर वन ये कि आप इसे लेवल करके आप इन दोनों की, इस स्प्रिंग बैलेंस की और इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आप नोट करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर टू क्या है कि आप इन हैंगर्स में आप वेट्स ऐड कर देंगे। जैसे ही आप उसमें वेट ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो पूरे का पूरा ये जो बीम है ये आपके पास थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद आप जब इनिशियल रीडिंग आप इसकी नोट करेंगे तो आप इसे फिर दोबारा से विद हेल्प ऑफ दीज टू स्क्रूज आप इन्हें लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद आप इसकी दोबारा से रीडिंग लेंगे दोनों की, ठीक है। तो इनिशियली जब आपने लेवल करके रीडिंग ली थी दैट रीडिंग वॉज टेयर रीडिंग, फिर उसके बाद आपने जब वेट्स ऐड करके अपनी रीडिंग ली थी तो वो रीडिंग क्या बन गई, एक्चुअल रीडिंग। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीडिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज द नेट रीडिंग। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट रीडिंग इज इक्वल टू एक्चुअल रीडिंग माइनस टेयर रीडिंग,
ठीक है, नेट रीडिंग इज इक्वल टू एक्चुअल रीडिंग माइनस टेयर रीडिंग। टेयर क्या है कि जब आप दोनों स्क्रूज को पहले विदाउट वेट्स आप उसे बैलेंस करके आप उसकी रीडिंग लेंगे तो दैट इज़ योर टेयर रीडिंग। एक्चुअल क्या है कि जब आप उसे बैलेंस आप उसे वेट्स डाल के बैलेंस करेंगे वो रीडिंग आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी और नेट रीडिंग आपके पास जो रिक्वायर्ड रीडिंग है। ठीक है, अच्छा इसी तरह बेंडिंग मोमेंट की भी अभी यही तरीका है, हम आगे इसे ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा अब ये हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है, ये सपोर्ट ए है, सपोर्ट बी, ये बीच में हिंज है, 700 mm टोटल लेंथ है, 450 mm लेफ्ट राइट साइड का ही का पोर्शन है और 250 mm लेफ्ट साइड का। इन्होंने वेट्स यहाँ पे क्या ऐड किए हुए, 100 ग्राम यहाँ पे ऐड किया हुआ है, 200 ग्राम यहाँ पे और 200 ग्राम यहाँ पे। तो आप ग्राम्स को फिर न्यूटन्स में मतलब आप मास को वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स को आप पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे और केजी को आप जब 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास न्यूटन्स में ये ऑटोमेटिकली, मतलब हम चूँकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस से डील करते हैं तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया अपने लिए फोर्सेस में। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस होगी, आर ए, W1, W2, W3 और RB। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम पॉइंट बी पे समेशन ऑफ मोमेंट लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, RA इंटू इसका डिस्टेंस क्या है 700, RA इंटू 700 माइनस W1 इंटू ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 450, ये हो गया 250 में से 100 निकाल दो, 150 और 450 600, तो W1 इंटू 600 ये वाला हो गया प्लस W2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये है 450 माइनस 400, ये तकरीबन आता है ये 300 आ गया है। हाँ टोटल 700 में से आपने 400 माइनस किया, 300 आ गया प्लस W3 इंटू ये कितना डिस्टेंस हो गया, 700 में से 650 माइनस करें तो आपके पास 50 mm, तो आपके पास RA इज इक्वल टू 1.822 न्यूटन आपके पास आ गया है। अच्छा अब हम इसकी, ये तो ओवरऑल सिनेरियो हो गया, अब हम इसकी एक साइड को हम अभी देखते हैं कि यार हमारे पास शेयर फोर्स एट दिस पॉइंट कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली हमने इसी हिंज पॉइंट पे हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो अब हमारे पास RA भी फाइंड हो गया 1.822 और इस साइड पे ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम इस लेफ्ट साइड को अभी ज़रा देखते हैं कि लेफ्ट साइड हमारे पास अगर समेशन ऑफ फोर्सेस हम इस पे अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू 0, तो हमारे पास थियोरेटिकली जो कि हमने अभी फाइंड किया वो कितना आएगा, 1.822 अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 0.981 नेगेटिव हो गया क्योंकि डाउनवर्ड्स है, तो हमारे पास क्या आ गया, वी कितना आ गया है 0.841 न्यूटन्स आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास थियोरेटिकल आ गई है, थियोरेटिकल वैल्यू जो कि हमारे पास इस फार्मूला से आई है 0.841 न्यूटन्स। ठीक है, फॉर मेजर शेयर द टेयर रीडिंग इज 0.6, अभी इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इन्होंने जब मेजरमेंट की है तो इनके पास टेयर रीडिंग 0.6 न्यूटन आई थी और एक्चुअल रीडिंग जो थी वो 1.4 न्यूटन आई है, सो द मेजर्ड शेयर इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.8 न्यूटन। ये हमने जो अभी पिछले यहाँ पे जो हमने देखी थी नेट रीडिंग इज इक्वल एक्चुअल माइनस टेयर, तो इन्होंने भी एक्चुअल में से टेयर को माइनस करके नेट रीडिंग यहाँ पे फाइंड की है। ठीक है, एक्चुअल माइनस टेयर इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आई है शेयर की वो आई है 0.8 न्यूटन और थियोरेटिकली हमारे पास क्या आई है 0.841 न्यूटन। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट को 3 times रिपीट करें, तो इन्होंने 3 times रिपीट किया है तो आपके पास यही 0.8 न्यूटन ही आई है, तो इन्होंने एवरेज लिया है तो उसका 0.8 न्यूटन ही एवरेज आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ये वैल्यू होगी और थियोरेटिकल ये वैल्यू होगी। अब हम इसका परसेंटेज डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू थियोरेटिकल माइनस एक्चुअल डिवाइड बाई थियोरेटिकल, तो आपके पास थियोरेटिकल 0.841 आ गया, एक्चुअल आपके पास एक्सपेरिमेंटल 0.8 न्यूटन आ गया, इसका परसेंटेज डिफरेंस आया है 4.76 न्यूटन जो कि हमारे पास एक्सेप्टेबल है, रीजनेबल है। ठीक है, अच्छा और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, आपके पास ओवरहंग स्प्रिंग बैलेंस से आपके पास एक शेयर की वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द बेंडिंग मोमेंट,
वही सेम सिनेरियो है। अब इसमें बेंडिंग मोमेंट में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम इसमें अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस को डील करते हैं, तो अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस अब हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। और आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना, इस बीम से लेके इस अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस तक ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 mm। लेट अस सी, ये वाला डिस्टेंस जो है ये आपके पास बीम है और ये आपके पास अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस कितना है, 100 mm। ठीक है, अभी अगेन हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं कि आपके पास आर ए और आर बी आपके पास कितना आ रहा है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी उसी तरह से हम लेंगे। ठीक है, तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, 700 mm इज इक्वल टू ये वेट्स इन्होंने कितने, अभी इन्होंने 400 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम वेट्स यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं, तो इन्हें उसी तरह से आप न्यूटन्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3.92 न्यूटन, 1.962 और 2.943 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से इसे हम समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी करेंगे तो 3.924 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, 700 में से आप 100 माइनस करें तो 600 mm आ गया, प्लस 1.962 इंटू 700 में से आप 500 माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, 200 mm, प्लस 2.943 इंटू 700 माइनस 650 कितना आ गया, 50 mm, तो आपके पास आर ए आ गया है 4.134 न्यूटन। ठीक है, अब हम इस पूरे के पूरे डायग्राम में से लेफ्ट साइड को अभी हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम ही एक्ट करेंगे बिकॉज बीच में हमारे पास हिंज है, तो हम किसी भी साइड को देखते हैं, तो अब हम लेफ्ट साइड को ज़रा देख लेते हैं कि समेशन ऑफ कि अभी आपके पास मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट थियोरेटिकली कैसे आएगा और मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट एक्सपेरिमेंटली कैसे आएगा। एक्सपेरिमेंटली आपके पास ऐसे आएगा कि आपके पास इसकी जो रीडिंग है यहाँ से, जो आपके पास अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है, इट्स बोलो आपके पास वो अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस आपको रीडिंग दे रहा है 4.5 न्यूटन। ठीक है, तो 4.5 न्यूटन आपके पास एक्ट कर रहा है, कितना वो मोमेंट कॉज कर रहा है, उसका मोमेंट आप कितना है, 100 mm, तो इसका मेजर्ड या एक्सपेरिमेंटल मोमेंट आपके पास कितना होगा, 4.5 इंटू 100 कितना हो गया, 450 newton mm, ये आपके पास मेजर्ड है। ठीक है, और थियोरेटिकली अभी आप कैसे फाइंड करेंगे, थियोरेटिकली आप फाइंड करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट एम थियोरेटिकल जो कि है 4.134 जो कि आर ए है इंटू 250 माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, 3.924 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, 250 माइनस 100 ये हो गया है 150 mm इज इक्वल टू 444.95। ठीक है, तो आपके पास मेजर्ड जो है एक्सपेरिमेंटल आपके पास 450 आया था और थियोरेटिकली आपके पास 444.95 आया है, तो इसका परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करेंगे कैसे, 444.9 थियोरेटिकल माइनस एक्चुअल डिवाइड बाय थियोरेटिकल, हमने इस तरह का फार्मूला यूज़ किया था, सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला आपके पास परसेंटेज डिफरेंस आया है 1.13%, दैट इज़ मिनिमल, मतलब दिस इज एक्सेप्टेबल, काफ़ी कम परसेंटेज डिफरेंस आया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी प्लॉटिंग इसकी कैसे करेंगे, केस नंबर, सीरियल नंबर, इस तरह फिर वेट्स आप ऐड करेंगे, वेट L1 की आपके पास वेट 1 है, 100 ग्राम्स आपने हैंग किया था 100 mm के डिस्टेंस पे, फिर W2 आपने 200 ऐड किया था 400 mm के डिस्टेंस पे, सिमिलरली आप फिर ये शीयर फोर्स के लिए है, तो आप फिर ओवर हैंग स्प्रिंग बैलेंस के लिए टेयर रीडिंग पहले नोट करते हैं कि जो आप टेयर रीडिंग कौन सी होती है, कि जो आप विदाउट वेट्स आप उसे बैलेंस करके नोट करते हैं, सो दैट्स योर टेयर रीडिंग। एक्चुअल क्या है कि आप फिर वेट्स डाल के दोबारा से उसे बैलेंस करते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं, सो दैट इज़ 1.4 नेट रीडिंग क्या है, एक्चुअल माइनस टेयर रीडिंग। ठीक है, सो आपके पास एक्चुअल मेजर्ड शेयर और थियोरेटिकल शेयर इस तरह आपके पास आती है, तो इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो आप उसे यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए आप उसी तरह करते हैं इसी में, लेकिन इसमें इंस्टेड ऑफ ओवर हैंग स्प्रिंग बैलेंस हम यहाँ पे अंडर हैंग स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, एवरेज नेट रीडिंग आप इन तीनों का फिर नेट रीडिंग एवरेज लेते हैं, फिर एवरेज नेट मोमेंट, नेट रीडिंग से आप नेट मोमेंट कैसे निकालते हैं, इसको आप उसके मोमेंट आर्म से फिर कैलकुलेट मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ये एवरेज नेट रीडिंग तो ये आपके पास जो अंडर आर्म स्प्रिंग बैलेंस है वो देता है, फिर उसको आपने इस मोमेंट आर्म से भी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4.5 इंटू 100 कितना हो गया, 450। ठीक है, और उसका फिर आप परसेंटेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज़ लेक्चर,
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरीज हो, सो फील फ्री टू हिट मी अप इन द कमेंट्स. थैंक यू.